देखिए, होली की धूम अभी से दिखाई देने लगी है। सीधे आपको गुरुग्राम लिए चलते हैं, जहां पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला शेर और भी अच्छा है। हाँ, सुनाइए। गुलशन में कैसे कैसे आई है ये बहारे, बीवी है मेरी तीन, तीनों से पूछिए करता हूँ कितना काम, पसीनों से पूछिए पसीनों से पूछिए तो एक ऐसा आज के माहौल पर आने का प्रयास करता हूँ। खिचड़ी जी, बैठ के पढ़ेंगे? बैठी बैठी। क्या हुआ? ये हरियाणा है, अच्छे अच्छे बाबा आके डिप्रेशन में आ जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाओ, हमारे हास्य व्यंग के बड़े कवि होते हैं बलवीर खिचड़ी जी। तालियां भरपूर बजाइए, थोड़ा आनंद में रहो, थोड़ा मस्ती में रहो। वो हंसाने का आपको प्रयास कर रहे थे, बहुत सारे लोग नहीं हंस रहे हैं। मैं सच बताऊं मित्रों, हंसी एक ऐसी अरबाज है जो भगवान ने सिर्फ इंसान को दी है। दुनिया का कोई भी प्राणी आंखों से आंसुओं का समंदर बहा सकता है, लेकिन हंस नहीं सकता, मुस्कुरा नहीं सकता। आपने कभी ऐसे नहीं देखा होगा कि कोई गधा आपको देखकर मुस्कुरा रहा है। अगर कोई गधा आपको देखकर मुस्कुराने लगे तो आप समझ जाइएगा कि वो इंसान बनने की प्रक्रिया में है। और अगर कोई इंसान हंसने की बात पर भी मनहूस की तरह बैठा हो, यहां बहुत सारे हैं, एक बार जरा जोरदार वाली ताली बजाओ। बहुत गर्मा में मंच है और ये कवि सम्मेलन लिखा हुआ है, और आप जानते हैं आप जिस पार्टी के सिपाही हैं वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी है। उस पार्टी के सिपाहियों को पता होना चाहिए कि कविता को सुनने के संस्कार क्या होते हैं, सभ्यता क्या होती है। जिस मंच पर कई दशकों की तपस्या से अर्जित नवनीत को लेकर देश के ख्यातिनाम कवियों की उपस्थिति है, उस पर जो अव्यवस्थाएं हैं वो निसंदेह अटल जी की पार्टी के सिपाहियों पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करती हैं। सुनील दा ने लिखा कि वो कविता थी जिसने गौरी को शब्द बाण से मारा था। इस मंच का स्वाभिमान पढ़ रहा हूं, आपकी तालियां देखना चाहता हूं। वो कविता थी जिसने गौरी को शब्द बाण से मारा था, वो कविता थी जिसने दिनकर जी के स्वर में हुंकारा था, वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। हरियाणा की भूमि पर पढ़ रहा हूं, पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने कविता जिस माटी पर गाई, वहां पर अगर कविता ऐसे सुनी जा रही है तो कवियों को दुख है। पढ़ रहा हूं कवियों का स्वाभिमान और मंच का स्वाभिमान। वो कविता थी जिसने गौरी को शब्द बाण से मारा था, वो कविता थी जिसने दिनकर जी के स्वर में हुंकारा था, वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। अगली दो पंक्तियां हरियाणा का स्वाभिमान पढ़ रहा हूं। जब कारगिल की घाटियां सर और लहू मानती हैं, तो पहला सर और लहू कहीं से आता है? तो हरियाणा की भूमि से आता है। वो कविता थी जिसने गौरी को शब्द बाण से मारा था। जागना इस बार जरा बताना कितने लोग कवियों और कविता का स्वाभिमान बचाना जानते हैं। उनके अंदर पूज्य अटल जी के संस्कार अभी जिंदा हैं। बेशक ये 2024 का भारत होने वाला हो, बेशक इस देश का नेतृत्व कैसा भी चल रहा हो, लेकिन अभी अटल जी के संस्कार जिंदा है। उन्हें पता है कि कवियों का सम्मान कैसे किया जाता है, उनका स्वाभिमान कैसे बचाया जाता है। वो कविता थी जिसने गौरी को शब्द बाण से मारा था, वो कविता थी जिसने दिनकर जी के स्वर में हुंकारा था, वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। हरियाणा जागे, वो वंदे मातरम कविता थी सब गोरे आप बबूले थे, वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। वाह जियो कुशल भाई, वाह। और अगली दो पंक्तियां, ये होली का उत्सव रंगों के बीच अगर गाओ कविता होली बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है कविता लोरी बन जाती है, मत पूछो कविता की उड़ान ये स्वाभिमान बन जाती है, वो कविता है जो सवा अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। इस मंच का स्वाभिमान पढ़ रहा हूं और आपकी तालियां उठे, ये राष्ट्र कहीं ना सोच
रातों में जागा करते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी एक शाम अगर किसी शहर को मिल जाए तो वो खुद को धन्य समझता है। अव्यवस्थाएं हैं मैं मानता हूं, लेकिन यही वो लोग हैं जिनके मैंने लाखों लाख लोग जिनका इंतजार करते हैं, जिनको सुनने के लिए बैठते हैं, ये वही लोग हैं। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं इन कवियों का स्वाभिमान, ये क्या करते हैं रात रात भर, ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए रातों में जागा करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को पता है कवियों का कैसे सम्मान किया जाता है, और मैं जिस प्रदेश से आता हूँ वहां के पूज्य मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि कवियों का सम्मान कैसे किया जाता है। आप जिस पार्टी के सिपाही हैं उसके संस्कार भी आपके अंदर आने चाहिए और वो दिखने भी चाहिए। मंच का स्वाभिमान पढ़ रहा हूँ, ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए रातों में जागा करते हैं, इसकी खुशहाली की खातिर ये मन्नत मांगा करते हैं। ये तुलसी सूर कबीरा के वंशज इनका वंदन करिए, दोनों हाथ उठा करके कवियों का अभिनंदन करिए, जोरदार तालियां उठते हुए देखना चाहता हूं। कुंवरदा ने लिखा कि कहा जो आदि ने वो ही अंत बोलेंगे, हम किस पाठशाला से आते हैं और कहां पर खड़े हो गए। कहा जो आदि ने वो ही अंत बोलेंगे, रहेंगे स्वर जो अगर चुप हलंत बोलेंगे। ये जो ढोल बज रहे हैं इन ढोलों से निकल करके आए हैं हम, हमने अपनी आवाजें बुलंद करी तब ऐसे अंग्रेजों के ढोलों ने अपनी आवाजें दबाई। कहा जो आदि ने अब वो ही अंत बोलेंगे, रहेंगे स्वर जो अगर चुप हलंत बोलेंगे। ये काव्य मंच है, बैठे जरा सलीके से के इसी मंच से शब्दों के संत बोलेंगे। ये वो लोग हैं, इसकी आवाज बढ़ाओ माइक की जरा, जितनी है इसकी बढ़ाओ, मैं देखता हूँ कितनी तेज ढोल बजेंगे। मित्रों सभी चेयर पर आकर बैठ जाएं, उधर से सारे दोस्त प्रांगण उस तरफ है भोजन की तरफ, कृपया सीट पर आकर बैठ जाएं। हमारे बीच में श्री भूपेंद्र यादव जी आ चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार। सभी लोग से मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कुर्सी पर आकर बैठ जाए। मैं राकेश यादव जी की टीम से बोलना चाहूंगा सभी को, इस तरफ प्रांगण में इस तरफ की तरफ भेजे कुर्सियों की तरफ, जो खाली कुर्सियां हैं। के साथ स्वागत करें श्री भूपेंद्र यादव जी का, राव नरवीर सिंह जी का। आज होली मिलन समारोह की शोभा आपके आने से और बढ़ गई है। मंच पर बुलाना चाहूंगा श्री सत्य प्रकाश
पर बुलाना चाहूंगा एडवोकेट प्रवीण लता जी को, निगम पार्षद आपसे दरख्वास्त है आप मंच पर आ जाएं। मैं चाहूंगा श्री राकेश यादव जी सम्मान करें श्री भूपेंद्र यादव जी का गुलदस्ते के साथ। जी श्री भूपेंद्र यादव जी का शॉल उड़ाकर स्वागत करेंगे श्री हुकुम चंद जी, श्री जगमाल बाबू जी, श्री रामकिशन जी, श्री राज यादव जी, श्री जीत राम जी, ये सभी शॉल देकर स्वागत करेंगे। मंच पर सभी लोग आ जाएं श्री भूपेंद्र यादव जी का। ग्राम पंचायत फाजिलपुर की तरफ से स्वागत करेंगे ये सभी लोग, कृपया मंच पर आ जाएं। हुकुमचंद जी, जगमाल जी, रामकिशन जी, राज यादव जी, जीत राम जी, ये सभी लोग आ जाएं, आप शाल देकर स्वागत करेंगे श्री भूपेंद्र यादव जी का। श्री मामन जी आप भी मंच पर आ जाएं, जसवंत यादव जी। फूल सिंह जी आप भी जा गए हो, मंच पर आ जाएं। ये सभी लोग हमारे ग्राम पंचायत फाजिलपुर की तरफ से स्वागत कर रहे हैं श्री भूपेंद्र यादव जी का, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार। मित्रों एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं चाहूंगा हमारी ग्राम पंचायत की टीम शॉल के साथ स्वागत करें राव नरवीर सिंह जी का। ग्राम पंचायत फाजिलपुर की तरफ से शॉल से सम्मान किया जा रहा है राव नरवीर सिंह जी का, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार। इसके बाद स्वागत करेंगे श्री सत्य प्रकाश जनावता जी का, एमएलए पटौदी। ग्राम पंचायत की टीम शॉल के साथ स्वागत कर रही है श्री सत्य प्रकाश जनावता, एमएलए पटौदी। आज के इस होली मिलन कार्यक्रम में हमारे बीच में पहुंचे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और हम सब के मार्गदर्शक मंत्री भूपेंद्र यादव जी, और हमारे बीच में पहुंचे हरियाणा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह जी, हमारे बीच में पटौदी से विधायक श्री सत्य प्रकाश जनावता जी, मेरे सभी साथी पार्षदगण और सम्मानित मंच, और कुछ जो भी हमारी जितने भी सरदारी, जितने भी गांव से आए हुए सभी सरदारी के लोग, सभी जो खासकर मेरे वार्ड में जो 54 आरडब्ल्यू पड़ती थी जी, सभी आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट, उनकी टीम, और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं करता हूँ साउथ सिटी 2 के जितने रेजिडेंट जो यहाँ पे मौजूद है, मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि एक बार अपने स्थान पे खड़े होकर माननीय मंत्री जी का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सोना से विधायक एमएलए संजय सिंह जी भी पहुंचे थे, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। जीएल शर्मा जी थे, उनके भी स्वागत करता हूं। जवाहर यादव जी है, उनका भी स्वागत। और मेरे सभी साथी पार्षदगण और मीडिया के सभी पत्रकार, छायाकार और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और पूरी सभी सरदारी, जितने भी 60 नगर निगम गुड़गांव के जितने भी गांव हैं, सभी गांव से आए हुए सभी पंच, सरपंच, लंबरदार मेंबरों का मैं इस होली मिलन समारोह में पहुंचने पर और इस कार्यक्रम को, होली मिलन समारोह को भव्य होली मिलन समारोह कार्यक्रम कर दिया, आप सभी का तहे दिल से मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। आपके चरणों में सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। और डेवलपमेंट की बात आए तो वैसे तो होली मिलन समारोह का कार्यक्रम है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं खासकर एक बात जरूर मंत्री जी कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे एक नरसिंहपुर ईस्ट गांव है, नरसिंहपुर ईस्ट से गांव से काफी लोग आए थे सर। आजादी के बाद नरसिंहपुर ईस्ट में लेफ्ट साइड में कुछ गलियां ऐसी थी जो कभी नहीं बनी थी, और माननीय मंत्री जी के सहयोग से 2019 में वो गलियां सारी बन गई थी। ये शायद मंत्री जी के सहयोग से संभव हुआ, वरना वो पूरा एरिया नरसिंहपुर ईस्ट का एक ऐसा एरिया था। और दूसरा सर मैं बताना चाहूंगा कि जो पोर्श एरिया जो इसमें हम बैठे हुए साउथ सिटी 2, इसमें भी रोडों की हालत बहुत बुरी थी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सर के पास होता था, और लेकिन यहाँ पे रोड नहीं बनवा पाते थे क्योंकि ये बिल्डर एरिया होता था। और सबसे पहले सोना रोड की 4800 वर्ग टाउनशिप है जी, 4800 गुड़गांव के सबसे बड़ी टाउनशिप है, और सबसे पहले टेक ओवर जो है सोना रोड की टाउनशिप हुई, और सारी मूलभूत सुविधाएं जो बिल्डर ने छोड़ी हुई थी, चाहे वो रोड है, पानी है, सीवर है, पार्कों की डेवलपमेंट है, ओपन जिम है, कम्युनिटी सेंटर है, और सिर्फ सर यहाँ पे एक ही 2000 में पानी का बूस्टर था जिसकी कैपेसिटी 12 लाख थी, और उससे हर साल गर्मियों में बहुत परेशानी होती थी, टैंकर मंगाने पड़ते थे। मंत्री जी ने यहाँ पे 14 लाख लीटर का एक टैंकर का बूस्टर बनवाया, आज वो समस्या हमारी वो भी दूर हो गई। और सबसे बड़ी बात मैं जो कहना चाहूंगा, जिस प्रांगण में हम बैठे हैं आज इस स्थान पे जो एक कार्यक्रम हो रहा है सर, बिल्डर ने हमें कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं दिया था, और माननीय मंत्री जी ने, हमने अपील करी फाइनेंस कमिश्नर जी से 2018 में ये जगह हमें कम्युनिटी सेंटर साउथ सिटी 2 के लिए अलॉट कराया। हम तहे दिल से राव नरवीर जी का धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं कि इन्होंने इतने अच्छे काम, खासकर गुड़गांव में डेवलपमेंट के बहुत अच्छे काम किए जी। तो मैं पुनः आप सभी का यहाँ पहुंचने पर, खासकर साउथ सिटी 2 और सभी गुड़गांव वासियों का यहाँ पहुंचने पर हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि होली मिलन समारोह में आप सभी आए और अपना प्यार दुलार अपने इस भाई को दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। मैं निवेदन करता हूँ पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह जी, 2 मिनट के लिए जरूर आए, आप जरूर आ सकते। शुभकामनाएं देता हूं। होली का त्योहार हिंदुस्तान में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और पहले तो एक दिन होली का आता था, अब तो हमारे यहाँ कई कई दिन तक होली का त्योहार चलता है। जब भी हम लोग इतवार देख लेते हैं उसी दिन एक होली का त्योहार मना देते हैं। भाई लता जी ने आज होली से पहले होली मिलन समारोह किया, इसका मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूँ भाई भूपेंद्र यादव जी का। इतने व्यस्त कार्यक्रम में भी ये यहाँ गुड़गांव आए, इनका अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे बता रहे थे मैं चिशूल से, ले लद्दाख चिशूल से 18 घंटे बाई रोड चल के आया हूँ। तो आदमी जब बाई रोड चलता है तो बहुत थक जाता है, उसके बाद अभी बता रहे कि मुझे बंगलोर जाना है। तो आदमी की कितनी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी आपने इस होली मिलन समारोह में आप आए, आपका सबकी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।
मैं बुलाना चाहूंगा श्री भूपेंद्र यादव जी को, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, दो शब्द के लिए यहाँ पर मैं आपको इन्वाइट करना चाहूंगा। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें श्री भूपेंद्र यादव जी का। आप सबको होली मिलन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित और मैं सोच रहा था कि जिस इलाके से हम संबंध रखते हैं उसका देश की सेवा में, देश की रक्षा में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसी कारण आज ये क्षेत्र तरक्की कर रहा है। अभी मैं राव नरवीर सिंह जी से कह रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने इस बार यहाँ की सफारी की घोषणा कर दी। मैं जब पर्यावरण मंत्री बना तो मुझे सबसे पहले राव नरवीर सिंह मिलने आए और मेरे से उन्होंने कहा कि भाई ये हम लोग प्रस्ताव डॉक्टर हर्षवर्धन पे लेके गए थे, उसी दिन से मेरे मन में थी कि इतना बड़ा गुड़गांव तो बस गया, लेकिन गुड़गांव बसने के साथ साथ हमारी जो अरावली है ये भी हरी भरी होनी चाहिए और यहाँ पे एक अच्छी सफारी का निर्माण होना चाहिए। मैं बधाई देना चाहूंगा कि केंद्र से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमको निर्देश दिया है इस बार मुख्यमंत्री उसको बजट घोषणा में लेकर के आए। केवल शहर का विकास और केवल शहर की कॉलोनी बन जाए उससे जीवन नहीं सुधरने वाला। शहर के साथ हरियाली भी रहे, शहर के साथ हरा भरा वातावरण भी रहे, उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं तो खैर सोच रहा था कि भाई राकेश जी एक दो कविता सुनाएंगे और मैं चल दूंगा, इनने मुझे भाषण देने के लिए खड़ा कर दिया। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप सब लोगों को होली की बधाई दूंगा, राकेश जी और उनकी धर्मपत्नी को बहुत बहुत बधाई, आप सब लोगों को बधाई। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आदरणीय मंत्री जी। मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे मंचों की एक महनीय कवित्री को अवश्य, निवेदन है आदरणीय मंत्री जी से, वो अपना स्थान ले लेंगे। अच्छा जा रहे हैं, ठीक है, उनकी एक गीत के लिए आप अभी जाएंगे, नहीं बैठेंगे।